हेलो एवरीवन। तो अभी हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे, देखा मैं तो कड़ी हुई देखी थी, शाम के बज रहे हैं 7 और मैं जा रही हूँ वापस से बरह महाराज पे। कथा हो रही है और मेरी एक सिस्टर इन लॉ है जो अपने मायके में पूजा करवा रही, मतलब ससुराल में उन्होंने मन्नत की थी कि अपने मायके वाले जो देवी देवता हैं उनसे मन्नत की थी, तो उन्होंने कभी माना हुआ था कथा, तो सत्यनारायण की कथा करवाने जा रही हूँ। दीदी आई हैं, 8 बाद मैंने उन दीदी को देखा है क्योंकि मैं बाहर ही रहती हूँ, जब वो आती भी होंगी तो मुलाकात हो नहीं पाती है और जल्दी वो दीदी आती भी नहीं है। तो दीदी आई हैं, उषा दीदी करके उनका नाम है, उषा। तो दीदी आई हैं अपना पूरी फैमिली, पूरे ससुराल वालों के साथ पूजा करवा रही हैं, तो बस उसी पूजा में शामिल होने जा रहे हैं हम लोग। और शाम को पार्टी भी है हमारे घर में, आज बरप्रंद बरुआ हुआ है तो उसका भी न्योता है, तो चलिए चलते हैं, आप लोग को दिखाती हूँ। ज्वाला माला कोई त्योहार विष्णु बोले 3 कहे हम सोए हम रो रहे हैं, हम तो राजीव बाबा को ले ही नहीं दे तो रोज दिखा को हरि ओम डाल दे, नेट पे नेट बदल ले, सही नेट पे डाल दे, YouTube पे या नेट ऐसे चला था बहुत ही नेट है कि डाल दे YouTube पे, YouTube पे डाल दो ना उनका, डाल दे हमारे खड़े हैं आगे से लगे देव ब्राह्मण सन्निधौ मासा नाम उत्तम मासे पावन पवित्र मासे मासाधिराज महामंगल मासे आषाढ़ मासे शिवे कृष्ण पक्षे कृष्णायाम अष्टम्यां शुक्रवार वासरे पंडित जी हैंडसम लग रहे हैं राजा पंडित जी ढेर है सब लगा था ना सो फ्रेंड्स, कथा होने के बाद में हम लोग जा रहे हैं बुफे में डिनर करने, क्योंकि आज शादी का दिन था, मतलब व्रतबंध बरुआ का, तो गांव में इसी दिन पे सारे गांव को रिसेप्शन दे दिया जाता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए सभी जेंट्स लोग हैं, जब गांव के सब लोग बाहर के रिश्ते के सबने, मतलब जितने भी जेंट्स होते हैं सब खा के जब चले जाते हैं, लास्ट में फिर घर की लेडीज़ लोग खाती हैं और घर के लोग खाते हैं, तो हम लोग सारी लेडीज़ आई हुई हैं दीदी लोग के साथ में अपना यहाँ पे बुफे में डिनर एंजॉय करने। सो अभी क्या हुआ कि मैं आई और मैंने अपनी प्लेट वगैरह यहाँ से देखी हुई उठा रही हूँ और फिर हम लोग जाएंगे बुफे में खाना लेने। तो जब मैं लेने गई हूँ उस समय पे सारी चीज़ें ना रिफ़िल हो रही थी, मतलब जो वहाँ पे डोंगे लगे हुए हैं सजाए हुए हैं बुफे में, तो वहाँ पे सब रिफ़िल हो रहे थे, सब ख़त्म हो गए थे तो सब में डाला जा रहा था, तो मैं ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना नहीं पाई और कोशिश की हूँ जो भी है आप लोगों को दिखा दूँ। और एक बार फिर मैं खाने में लग गई तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो, फिर मैंने घर के थोड़े से बच्चों से जो भी बन सका ना मैंने वीडियो बनवा ली थोड़ी सी आप लोगों के लिए, क्योंकि घर की शादी है तो आप लोग भी एंजॉय करो। और यहाँ पे देखिए मैंने रायता सर्व कर लिया है बूंदी का और मीठी चटनी इमली वाली, और यहाँ पे थे देखिए पापड़, और चलिए एक पापड़ भी ले लेते हैं। और पूरा सब पार्टी ओवर हो गई है ना, मतलब सब लोग खा के जा चुके हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे थोड़ा मेस है उसको इग्नोर करिएगा, ये भी खा लिए डोंगा। यहाँ पे कचौरियाँ थी, इसमें कद्दू की सब्जी थी आई थिंक कद्दू चने की जो अभी रिफ़िल होगी, और थी यहाँ पे मटर पनीर की और वो भी रिफ़िल होने गया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो भी है हम ले लेते हैं, तो मैं अपना खाना सारा लेके आ गई हूँ और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो भी मिला मैंने लिट्टी चोखा जो भी था कचौड़ी वगैरह सब्जियाँ थोड़ा थोड़ा लेके आ गई हूँ सारा, और अपना बैठ के एंजॉय करूँगी और आप लोग भी एंजॉय करो दोस्तों। तो आप लोग भी गुलाब जामुन खा लो शादी का, और यहाँ पे देखिए क्या हाल हो रखा है पूरा बुफे का। सो एकदम लास्ट में हम लोग घर के लोग खाए थे ना, सो इस तरीके से हो गया था, और यहाँ पे देखिए सब रिफ़िल हो रहा है सारा चीज़। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी फिल हो गया है तो आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें वापस से लग गई हैं, यहाँ पे सब्जियाँ हैं, बाटी है और ये कचौड़ी है और ये शायद मेरे ख्याल से छोले टाइप दिख रहे हैं मुझे, और मुझे तो अभी ढंग से पता भी नहीं है कि क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे, पुलाव है
और यहाँ पे दाल फ्राई है, और ये है आलू दम की सब्जी है, और ये है बूंदी, मीठा वाला जो बूंदी होता है मीठे में, बूंदी और गुलाब जामुन दो मीठे थे। तो इस तरीके से हमारे घर में पार्टी हुई है और पार्टी ओवर भी हो गई है। चलिए आप लोग भी रसगुल्ला, यहाँ पे हमारे यहाँ रसगुल्ला बोलते तो मुझे भी आदत पड़ गई रसगुल्ला बोलने की, गुलाब जामुन है तो आप लोग भी गुलाब जामुन खाइए। और ये देखिए हमारी जेठानी की बेटी है,